नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का खुमार नेताओं के साथ साथ जनता के दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ है। अब तो दो चरणों के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 30 अप्रैल की वो बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। पहली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खां का एक विवादित बयान सामने आया है। वह अपने विवादित बयान में कह रही हैं, वोट जिहाद करना जरूरी है क्योंकि हम वोट जिहाद ही कर सकते हैं। उन्होंने यह बयान सपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के दौरान दिया है। इधर इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद वैकल्पिक प्रत्याशी के लिए दायर की गई कांग्रेस की याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं राहुल गांधी को शहजादे कहे जाने पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को शहजादा कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी की आलोचना करते समय थोड़ा विचार करना चाहिए। वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर अब तक निर्णय न होने से कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धैर्य अब जवाब देने लग गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हाथ में अमेठी मांगे, गांधी परिवार की तख्तियों के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने मंगलवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। पत्र में एनडीए ने पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया। गठबंधन ने बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है। तो वहीं शिवसेना ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रविंद्र बाइकर शिवसेना के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि बाइकर मुंबई की जोगेश्वरी विधानसभा सीट से अभी विधायक हैं। इधर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भारी मतों से जिताने की अपील भी की। तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले तारा तारिणी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपना पर्चा भरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित 7 राज्यों के 16 नेताओं को तलब किया है। मामले की जांच के तहत पुलिस राजस्थान, झारखंड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद और मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डिंपल यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन मामले में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरा है। डिंपल ने अखिलेश यादव के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो किस तरह पूरे बीजेपी के तंत्र ने कहा था कि यह देश हित में नहीं है। डिंपल ने कहा कि लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई, यह एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ है और जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।